तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के ड्राफ्ट के बारे में। क्लैश ऑफ द क्लैंस के बाद सीधा सीधा WWE का ड्राफ्ट होने वाला है स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के जो ड्राफ्ट में जो कौन कौन से सुपरस्टार आने वाले उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, मेरी प्रेडिक्शन होगी इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्ट होगी, नंबर वन पिक होगी प्रो मंडे नाइट रॉ की तरफ से होगी अपने स्कॉटिश वॉरियर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ड्रू मैकइंटायर। मैं कन्फर्म मान रहा हूँ कि ड्रू मैकइंटायर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतेंगे क्लैश द क्लासल में। अब और मेरी सेकेंड पिक होगी क्लैश रोमंडे नाइट रॉक के लिए, वो होगी अपने कैरन क्रॉस और अपनी स्कारलेट जो अपनी कैरन क्रॉस के साथ ही होती है। मैं मैच पिक कर रहा हूँ कि एक्सट्रीम रूल्स में शायद अपने क्या कैरन क्रॉस ड्रू मैकइंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ये मैच हमें शायद देखने को मिल सकता है। मेरी नेक्स्ट पिक हुई अपनी ऑल माइटी बॉबी लैशली एज अ US चैंपियन। वो US चैंपियन मंडे नाइट रॉ में रहेंगे क्योंकि सर्वाइवल सीरीज नज़दीक आ रहा है और शायद एक मैच हो सकता है अपने बॉबी लैशली वर्सेस अपने गुंथर इन दोनों के बीच। मेरी नेक्स्ट पिक हुई अपनी सेथ फ्रिकिंग रॉलेंस जो मंडे नाइट रॉ में ही रहेंगे क्योंकि कोडी रोड्स जल्दी ही रिटर्न करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स रिटर्न करेंगे और सेथ रॉलेंस के साथ आमना सामना होगा इन दोनों का। और मेरी नेक्स्ट पिक होगी अपने AJ फिनोमिनल वन AJ स्टाइल क्योंकि डेक्स्टर लुमियस का रिटर्न हो चुका है मंडे नाइट रॉ के मेन रोस्टर के ऊपर। शायद इन दोनों की फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और मेरी नेक्स्ट पिक होगी रॉ वुमन चैंपियन बियांका ब्लेयर, ये होगी मेरी नेक्स्ट पिक। और उसके बाद होगी अपनी बेली और उनकी पूरी स्क्वाड और जो डकोटा स्काई और उनकी पूरी स्क्वाड हमें शायद मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलेगी। मेरी नेक्स्ट होगी अपनी अपने द मीज, ये होगी मेरी नेक्स्ट पिक फॉर द मंडे नाइट रॉ। और मेरी जो अगली पिक होगी वो होगी शार्लेट फ्लेयर, शायद क्योंकि एक बार रिसर्ट में बियांका ब्लेयर ने कहा था मेरा ड्रीम मैच होगा शार्लेट फ्लेयर के साथ मैच करना। शायद वो ये ख्वाहिश अपनी बियांका ब्लेयर की पूरी कर दे और शार्लेट फ्लेयर को ला दी वापस। और मंडे नाइट रॉ के लिए मेरी नेक्स्ट पिक होगी अपने टोमासो चैंपा के लिए क्योंकि मंडे नाइट रॉ में रहेंगे क्योंकि अपने जॉनी गैरगोन रिटर्न करने वाले WWE में। शायद उनकी डील कंफर्म हो चुकी है WWE और ट्रिपल एच ने उनको शायद रिटर्न करवा लिया WWE में। और गाइस मेरे नेक्स्ट पिक होगी अपने वीर महान के लिए, वो स्टिल मंडे नाइट रॉ में रहेंगे। शायद उनकी कोई लव स्टोरी हमें शायद मंडे नाइट रॉ की जो अनाउंसर या फिर रिपोर्टर है उनके साथ देखने को मिलेगी, इसलिए अपने वीर महान मंडे नाइट रॉ में रहेंगे। और मेरी नेक्स्ट पिक होगी ऑस्टिन थ्योरी, अगर स्टिल मैच हो रहा है जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी रेसलमेनिया 39 में तो मुझे अभी भी लगता है कि जॉन ऑस्टिन थ्योरी मंडे नाइट रॉ में रहेंगे। और गाइज मेरे नेक्स्ट पिक होगी अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज रहेंगे एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ के ऊपर, हमें फिर से एज का रिटर्न देखने को मिलेगा यानी कि वो जाने ही नहीं वाले मंडे नाइट रॉ के रॉ की तरफ से। और गाइज मेरे नेक्स्ट पिक होगी अपने शायद वाइकिंग रेडर्स रिटर्न कर दे स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्योंकि जो उनकी ईवल वाली थीम चल रही है वो शायद मुझे वो अच्छी लगेगी मंडे नाइट रॉ के ऊपर, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि रॉ 3 घंटे का शो होता है इसलिए। और गाइज मेरे नेक्स्ट पिक होगी अपनी नेशन लीडर जॉन सीना, वो जॉन सीना 17th time चैंपियन बनने के लिए शायद ऑस्टिन थ्योरी का उनका ड्रीम मैच होगा रेसलमेनिया 39 में, इसलिए जॉन सीना ज़रूर आएंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और गाइज मेरे नेक्स्ट पिक होगी अपने बीस्ट इनकार्नेट कॉबॉय ब्रॉक लेसनर, वो भी रहेंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही क्योंकि शायद उनका कोई मैच पेंडिंग है और शायद मुझे भी लगता है कि गेबल स्टीवसन रिटर्न करने वाला है, अगर गेबल स्टीवसन रिटर्न करे वो भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिटर्न करेंगे शायद अभी के लिए। और गाइस मेरे नेक्स्ट पिक होगी अपने ब्राउन स्ट्रोमन भी रिटर्न करेंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, ये ड्राफ्ट हो सीधा कर दिए जाएंगे। और गाइस मेरी फाइनल पिक होगी अपने कोडी रोड्स के लिए, कोडी रोड्स रिटर्न करेंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर और उनका ड्रीम मैच हमें देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स।